अभी तो शादी की डेट फिक्स हुई है, साहब अभी से अफसोस मना रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं अफसोस मना रहा हूँ? अगर अफसोस नहीं मना रहे तो क्या है ये सब? क्या हालत बनाई हुई, कल से क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? खुद तो परेशान हो, आंटी अंकल को भी परेशान कर रहे हो। अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं थे सारे, तो क्यों हामी भरी, मना कर देते शादी के लिए? ना मैंने सैरिश के लिए आग कर दी, वरना मेरे दिमाग में जितने स्ट्रेसेस हैं, जितनी उलझने हैं, उनमें से कम से कम एक तो कम हुई। यानी तुम खुश हो? अगर खुश हो तो खुश रहो ना, क्या हालत बनाई हुई है सारे? खुश हूँ। तुम्हें पता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन, बदतरीन सूरत हाल कौन सी होती है? कौन सी होती है? I'll tell you. जब इंसान को दो प्यारों में से चूज करना पड़े ना किसी एक को, और किसी एक को छोड़ना पड़े, वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और उससे भी बुरी सिचुएशन पता है कौन सी होती है? जब आपको ये पता हो कि आप जिसको चूज नहीं कर सकते ना, उसके साथ यकीनन ज्यादा खुश रहेंगे। That's the worst. सारे तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्यों तुम इतने परेशान हो? साफ साफ आंटी अंकल को जाके बोल दो कि तुम सैरिश से शादी नहीं करना चाहते हो, दैट्स इट। और उन्हें ये भी जाके बता दूं कि मैं किससे शादी करना चाहता हूं। जब वो मिल जाएगी तब बता देना। एक तो साबिरा खाला और उनके रिश्ते, अम्मी आपको उसी वक्त उन्हें मना कर देना चाहिए। जहां औलाद वहीं मां, शौहर को अल्लाह ताला ने छीन लिया और औलाद ही दुनिया छीन ली, तो ज्यादती। और मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूं, वो उसी शख्स से शादी करेगी जो उसे उसकी औलाद के साथ कबूल करेगा, वरना नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आरिफ? आहिल फैजान अंकल का इकलौता वारिस है, जो कुछ भी उनका है वो सब आहिल का ही है ना। और वैसे भी अल्लाह ताला जिंदगी दे फैजान अंकल को, लेकिन कब तक जिएंगे वो? और रही बात सैरिश की, तो मैंने सुना है कि उसका रिश्ता तो बहुत बड़े घर में हो गया, उसको तो अपने बाप की जायदाद की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ आहिल और रूमी का ही हुआ ना, इसलिए मेरा मशवरा यही है आप लोगों को कि उसको वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी उसके सास और ससुर उसको इतनी मोहब्बत से वहां रख रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, एक शौहर के अलावा किसी चीज के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा ना कभी। ये तो रूमी ही बता सकती है कि उसे क्या कमी है और क्या नहीं। ऐसे भी शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ वही बता सकता है जो ये बर्दाश्त कर रहा हो और झेल रहा हो।